ने ले लिया है प्रसाद यहाँ से और चुनरी भी। तो बाकी यहाँ से भी कीजिए माँ धारी देवी के दर्शन। और हम आ रखे हैं अभी नीचे नदी में। आज हम दूसरी बार जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, शादी के बाद दूसरे दिन। तो यहाँ सब नया है, मतलब उसके बाद उस टाइम पे तो हमारी ना ब्लॉगिंग थी ना कुछ थी, तो इस बार नया दिखने को मिलेगा आपको सब कुछ। और ये जो मंदिर है उसके बाद मतलब थोड़ा ऊपर उठाया गया है मंदिर को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और ये है मेरे स्वामी जी। हेलो दोस्तों, राम राम। तो दोस्तों आप लोग, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब आधे रास्ते से। सॉरी हमने सुबह से ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी क्योंकि बहुत रट्टा बट्टी में हम लोग तैयार हुए हैं और अचानक ही प्लान बना के हम लोग टूर पे जा रहे हैं, यानी कि माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको रास्ते में बताते रहेंगे। और वैसे रास्ते में क्या बताना है, हम लोग जा रहे हैं धारी देवी और शादी के बाद दूसरे दिन। आज हमको दूसरे दिन अवसर मिला है माँ के दर्शन करने का। और आज कल तो मौसम बहुत खराब था, आज मौसम भी थोड़ा सही है। सुबह से तो बहुत ठंडा हो रहा है, लेकिन चलते हैं और माँ के मतलब आशीर्वाद रहा तो सफ़र अच्छा ही रहेगा। आपको भी लेके चलते हैं माँ धारी देवी के दर्शन कराने के लिए। और स्वामी जी तो पुराने लुक में है, मेरी बाकी मतलब मेरा तो नया लुक है, मतलब आप लोगों के लिए वैसे साड़ी तो पुरानी है लेकिन नया लुक है। तो कैसे लग रहे हम दोनों कमेंट करके जरूर बताएं। जय धारी देवी। तो चलो जय श्री राम। सफर की शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी जा रहे हैं हम अपने गाँव के पुल में। ये पुल मतलब बहुत झूलता है, ये देखो नीचे गार्ड है ऊपर गार्ड, ये इधर देखो खच्चर है। ये देखो ये हमारे मसान है पीछे से। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तुनटा मार्केट में और अभी तुनटा मार्केट सुनसान है लेकिन हम जाएंगे बस में। तो देखते हैं कब तक आ पाती है, बहुत भागा भागी करी तो सांस फूलता जा रहा हमारा, स्वामी जी का तो ज्यादा ही हो गया। बाकी चलते हैं और मिलते हैं आपको है। आज हम आपको सीधे धारी देवी के वो बताएंगे, क्या बोलते हैं उसको, व्यू सीधे वहाँ का बताएंगे हम। ठीक है रुक जा। हम माँ के दरबार में पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हो धारी माँ दिख रही है और माता के दर्शन दूर से भी करिए। एक बार बोलिए जय धारी देवी। जय धारी देवी। हमारा जी यहाँ से दिख रही है, बहुत प्यार लग रही है मंदिर यहाँ से ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस हम माँ के पास पहुँच चुके हैं। तो नीचे जाके बहुत ही अच्छा लगने वाला है, कंटिन्यू बने रहे वीडियो में और चलते हैं हम नीचे माँ के दर्शन कराते हैं आपको। ठीक है जय धारी माँ। तो यहाँ से ले रहे हम माता रानी के लिए प्रसाद और एक चुनरी। हाँ
ने ले लिया है प्रसाद यहाँ से और चुनरी भी। तो यहाँ सब नया है, मतलब उसके बाद उस टाइम पे तो हमारी ना ब्लॉगिंग थी ना कुछ थी, तो इस बार नया दिखने को मिलेगा आपको सब कुछ। और ये जो मंदिर है उसके बाद मतलब थोड़ा ऊपर उठाया गया है मंदिर को, तो यहाँ देखते हैं किसी से पूछेंगे क्या क्या हुआ था उसके बाद। ठीक है, दर्शन करने के लिए बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है। पैर से मेरे घंटे जाना अलाउ नहीं है। प्रवेश
फोटो शूट कराया थोड़ा सा, और ये वाला साइज हमने दो फोटो का अलग अलग लिया है, इतना बड़ा साइज वाला, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे कराया फोटो शूट, और ये है दीदी, इनसे कराया हमने। हेलो, तो अभी मतलब यहाँ पे हमने अंदर की आपको नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था दिखाना। और फोटो कब तक मिलेंगे? परसों मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तिलवाड़ा मिलेंगे इनकी। बाकी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और दीदी को करते हैं बाय बाय कैमरा मैन को। बाय, छोटी मोटी आ रही है, मोटी आ रही है। चलो तब है, ठीक है ठीक है, आपके पर थोड़ी भी देखिए कब आएंगे आप, ठीक है। और माँ के भक्त आते हुए यहाँ पे भीड़ भड़ा का बहुत ज्यादा लगा हुआ है। बाकी हमको हो चुके हैं माँ धारी के दर्शन, और वहाँ अलाव नहीं था वीडियो बनाना, इसलिए तो हमने पूजा कराई, इसलिए तो सब हमने पहले उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बोला बिल्कुल भी अलाव नहीं है, तो हम बोले क्यों हट के थोड़ा है, हम इधर तो सिर्फ हट गया ही हट गया है, वो भी टूट जाएंगे तो बेकार हो जाएगा। माता के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए, तो बाकी यहाँ से भी कीजिए माँ धारी देवी के दर्शन। और हम आ रखे हैं अभी नीचे नदी में, नदी में।
भैया जी के पास दे रखी थी फोटो फ्रेम बनाने के लिए। हेलो भैया, दिखा फोटो। तो ये फोटो बनाई है और अच्छी फोटो खींचते हैं, और जो आएगा धारी देवी तो इनसे फोटो जरूर खिंचवाए, ठीक है। लास्ट गेट पे धारी माँ का जो शुरू गेट होता है ना, तैयारी हो गई है घर जाने की और हमको मिली है फिर से बस। तो बस में जाएंगे हम। अभी हम लोग हैं रुद्रप्रयाग में और यहाँ पर गाड़ी तो मिल रही है लेकिन सवारी नहीं है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं क्या बोलते हैं सुमड़ी मार्केट के थोड़ा सा ऊपर, और अब चलते हैं घर की ओर। हमारे जो बगल पड़ोसी हैं वो गाड़ी लेके आ रहे हैं तो उनकी गाड़ी में जा रहे हैं हम घर। तो चलो मिलते हैं आपको सीधे घर में या तो फिर वीडियो पे। वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। बाकी स्वामी जी चले गए हैं, मिलते हैं तब।